जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों एक टेक्निकल इशू आ गई, इस वजह से भी देखिए आज मैं लाइव नहीं हो पाया, लेकिन मैं सोचा जो टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं आज मैं पढ़ा दूं। आज मैं काफ़ी कुछ इस पर एक ही टॉपिक पर अच्छे से आपको तैयार कराना चाह रहा था, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, धातु और अधातु। तो ये टॉपिक को मैं चाह रहा था कि आपको एक एक विधिवत एक एक चीज़ नोट करा दूँ, एक एक चीज़ समझा दूँ, लेकिन बच्चों टेक्निकल इशू की वजह से नहीं कर पाया। तो देखिए अब मैं इसको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था टॉपिक पढ़ा दूं कंप्लीट कर दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई चीज नहीं आए तो आप विशेष सतर्क हो जाएंगे। तो इसमें से देख लीजिए क्या क्या मेटल है। तो देखिए कॉपर हम लोग जानते हैं तार बनता है, एल्युमिनियम का भी तार बनता है, और लोहा तो भाई लोहा है ऑलरेडी एक धातु है। सल्फर यहां पर जो है वह अधातु है यानी कि मेटल है। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी। तो इसको इंग्लिश वर्जन में कहें तो इसको कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। तो सल्फर हियर इज नॉट अ मेटल। सेकंड क्वेश्चन है, पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है, तो इसका इंग्लिश वर्जन होगा द सब्सटेंसेस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विथ अ हैमर इज। तो उसको फ्लैट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विथ अ हैमर इज। तो यहाँ पर क्या आयोडीन का क्रिस्टल। तो आयोडीन क्या है, एक अधातु है, नॉन मेटल है। कोयले का टुकड़ा ये भी एक नॉन मेटल है। सल्फर का टुकड़ा ये भी एक नॉन मेटल है, ठीक है, अधातु है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका जिंक का दाना, तो जिंक का दाना क्या है, ये खुद ही एक नॉन मेटल, ये मेटल है, ठीक है। तो जिंक जो है एक मेटल है, तो इसको अगर पीटा जाएगा तो चपटा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, जिंक ग्रैनुल्स। अभी अभी हम लोग काफ़ी रिएक्शंस भी देखेंगे बच्चों, और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कन्फर्म हूँ इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। जैसे मैंने श्रेष्ठा में बताया था कई क्वेश्चंस आए थे, वैसे ही इसमें भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बूझो ने सीखा कि अधातु से पीटने पर सामान्यतः टूटकर चूरा चूरा हो जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। तो इसमें से ठीक इसका रिवर्स क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा नॉन मेटल है। तो आपने जान लिया होगा यहाँ पर कि कोयले का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा जो है एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश वर्जन कहें तो ये होगा कि बुजो हैज लर्न दैट नॉन मेटल्स ऑन बीटिंग विद अ हैमर आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। तो यहाँ पर है पीस ऑफ कोल, पीस ऑफ कोल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है मटेरियल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिनको वायर्स में खींच वायर बनाया जा सकता है खींच करके, उनको क्या कहते हैं, हम डक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टाइल। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल। तो वही नहीं होगा जो कि एक नॉन मेटल होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं सोडियम एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, एल्युमिनियम एक मेटल है, सल्फर लेकिन एक मेटल नहीं है और धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट होगा। बच्चों देखिए इस तरह के सवाल जो है सिंपल तो आ सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, तो मैं कॉम्प्लेक्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ूंगा, ठीक है। इसके बाद धातु सामान्यतः कठोर होती है, सही बात है भाई, मेटल्स आर जनरली हार्ड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, जिसे हम काट सकते हैं, ठीक है। तो आयरन को भाई चाकू से नहीं काट सकते, वी कांट कट इट। मैग्नीशियम को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। गोल्ड को नहीं काट सकते हैं, सॉफ्ट है ऐसे, लेकिन सोडियम को हम काट सकते हैं, सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है, सोडियम कैन बी कट इजिली विथ अ नाइफ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, धातु सामान्यतः ठोस होती है, सही बात है, द मेटल्स आर जनरली सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट, इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो रूम के टेम्परेचर उसमें लिक्विड स्टेट में कौन सा मेटल रहता है, तो ये बच्चों रहता है मरकरी, MERCURY मरकरी रहता है, सिल्वर अल्मोनियम और आयोडीन नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, मेटल्स, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, मेटल्स जनरली रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों देखिए ये सवाल ऐसे आपको सिंपल लग रहा होगा, किताबों में भी इसके रिएक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं, लेकिन आपको बच्चों एक रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद होनी चाहिए, और हिंदी में भी इसको वैसे ही कहेंगे, इंग्लिश में भी कहेंगे, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद है आपका सोडियम, इसके बाद है आपका कैल्शियम, इसके बाद है मैग्नीशियम,
फिर है अल्मूनियम, फिर है जिंक, फिर है आयरन, फिर है आपका निकल, फिर है टिन, और टिन के बाद है लेड, टिन के बाद है लेड, ठीक है, पीवी। ये जितने भी मेटल्स हैं ये मान लीजिए रिएक्ट करेंगे, और इसके जैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ कम होते जा रही है, ऊपर से कम होते जा रही है, या उल्टा कहें तो ऐसे ही बढ़ते जा रही है। लेड हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर एक न्यूट्रल की तरह आप ले सकते हैं, इसको बॉर्डर लाइन की तरह हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे आप जरूर याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला तो ऐसे याद रखना, ऊपर के तीन चार आपने याद कर लिए, कौन कैसे, अभी आप देखेंगे कि ये रिप्लेस करता है, जिंक रिप्लेस कर लेता है आयरन को, तो क्यों करता है, इसके पीछे जब हम कारण समझेंगे तो यही रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद कर समझ में आएगी कि हाँ याद करना है, ठीक है। कॉपर है, फिर इसके बाद मरकरी है, इसके बाद सिल्वर है, इसके बाद आपका प्लेटिनम है, प्लेटिनम के बाद आपका गोल्ड है, आखिरी में गोल्ड है, ठीक है। तो सबसे गोल्ड जो है सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव में आपका पोटेशियम है, के है, ठीक है। और पोटेशियम का इस्तेमाल बच्चों कई जगह होता है, अभी हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसमें याद रखिएगा जो ये सवाल पूछा गया, तो इसमें आप देखिए मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है भाई, यहाँ पर है मैग्नीशियम, अल्मोनियम है वो भी यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है, आयरन, आयरन भी हाइड्रोजन के ऊपर है, कॉपर, कॉपर जो है देखिए हाइड्रोजन के नीचे है। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल पूछ रहा था, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सवाल ये पूछ रहा था कि धातु सामान्यतः तन अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ बच्चों कॉपर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, तब वो रिएक्शंस में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फिर अभी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। फिर क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किसकी ठंडी जल से तीव्र अभिक्रिया होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विगरेसली। तो ठंडे पानी से कौन रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ सोडियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ सल्फर। अभी जस्ट आपने देखा रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम था, सोडियम था, मैग्नीशियम था। तो ये ऊपर वाले जितने भी हैं बच्चों, ये सभी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके आग भी उत्पन्न करते हैं, जल भी जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सोडियम। तो आपको पता चल गया होगा सोडियम इसका उत्तर है। तो इसको इंग्लिश में कहें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विग्रेसली, तो आंसर इज सोडियम हियर, ठीक है। जिसका देखिए एक चीज बच्चों आपको सिंबल जरूर याद करना पड़ेगा, सोडियम का Na सिंबल होता है, कार्बन का C होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, और सल्फर का केवल S होता है। तो ये सिंबल्स धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम के साथ भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो इसमें कौन सा धातु बनाता है। तो इसमें बच्चों बनाता है आपका अल्मोनियम। अभी हम रिएक्शंस करेंगे तो उसमें और आपको क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में खुला रखने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है, ठीक है। यहाँ अधातु की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो ये अधातु नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है कि फॉस्फोरस है, तो बच्चों ये फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का इस्तेमाल हम माचिस में करते हैं, माचिस बनाने के लिए, तभी तो उसमें आग पकड़ लेता है रगड़ खाते ही, लेकिन डायरेक्ट फॉस्फोरस कई फॉर्म में मिला के किया जाता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस एक ऐसा अधातु है, तो अगर इंग्लिश में कहें कि फॉस्फोरस इज दैट नॉन मेटल विच रिएक्ट्स एंड कैचेज फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, एक्सपोजर टू एयर, तो इसका आंसर आप लिख लेंगे फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का सिंबल क्या है आपको पता होगा, पता होना चाहिए, फॉस्फोरस का बच्चों पी होता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 11, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिथमस का रंग लाल कर देता है, लाल कर देता है, यानी कि वो एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है, इसको आप जरूर समझते चलिएगा। फिर है कॉपर को विद्युत चालन तारों के रूप में उपयोग में लाने के लिए उसका कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर टू बी यूज एज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर। तो डक्टिलिटी के लिए वजह से तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी एक रीज़न है तार के रूप में, या उसका जो यूज किया जाता है तार के रूप में वो किया जाता है। कलर
क्या हो सकता है देखते हैं। विद्युत का अच्छा चालक, हाँ ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है, यह ठोस है यानी कि सॉलिड है इसलिए तो तार के फॉर्म में है। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कॉपर को तार के रूप में यूज किया जा रहा है, इफ कॉपर इज यूज एज अ वायर द फॉलोइंग फीचर शुड बी देयर इन दोज मेटल्स एज इट इज इन कॉपर। बच्चों आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, बस इंतजार करना होगा, ये नहीं कि आपने शुरुआत में देखे और फिर आपने बंद कर दिया। देखिए मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी मेलियाबिलिटी, मेले आप जानते होंगे लेकिन चीज़ों को नोट डाउन करिए, ठीक है। मेलियाबिलिटी इसको हिंदी में कहेंगे आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद है बच्चों सेकंड जो पॉइंट है वो होना चाहिए डक्टाइल, सेकंड है वो होना चाहिए डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल को कहते हैं बच्चों तन्यता। बच्चों जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि किताबें बच्चों अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री है होना चाहिए वो सोनरस। सोनरस का मतलब होता है बच्चों, यहां मैं लिख लूं पहले हिंदी, ध्वनिक। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कि अगर उसको पीटा जाए तो आवाज एक रिंगिंग साउंड आएगी, ठीक है, जो घंटी बजती उस तरह से साउंड आएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो हार्ड होना चाहिए यानी कि कड़ा होना चाहिए, लस्चरस होना चाहिए, लस्चरस यानी कि चमकीला होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज मैं किस लिए याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल आ जाएगा इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी अल्मीनियम के नहीं है, कॉपर के नहीं है, तो कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। चमकीले होने चाहिए, अभी मेलेबल मैंने बता ही दिया, डक्टाइल भी बना दिया, मतलब आघात वर्ध बता दिया, तन्य बना दिया, ध्वनिक बना दिया, और साथ ही साथ देखिए वो उष्मा, उष्मा या विद्युत, उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होना चाहिए, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अक्सर आपने देखा होगा कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं, ठीक है, जो तांबे के बर्तन होते हैं, वो ज़्यादा समय तक अगर उसको हवा में छोड़ दिया जाए उसमें एक हरी ग्रीन परत अपने से चढ़ जाती है, ठीक है। तो आखिर ग्रीन परत होती चढ़ती कहाँ से है? मान लीजिए कॉपर शुद्ध कॉपर है, तो हमने कॉपर ले लिया, इसको मैं बैलेंस करते जा रहा हूँ, ठीक है। उसमें हमें मॉइस्ट एयर मिला, मॉइस्ट एयर में देखिए क्या क्या चाहिए हमें, पानी का वाष्प चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, साथ में हमें वायु भी चाहिए। तो ये चीज़ें कहाँ से मिल जाती हैं? मॉइस्ट एयर यानी कि जो ह्यूमिड, जो जिसमें नमी वाली हवा होती है, उसके जरिए ये चीज़ें कॉपर के साथ मिल जाती हैं। और बनाता क्या है ये बनाएगा, देखिए ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, जगह कम हो रही है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखिए इसको हिंदी में बच्चों कॉपर हाइड्रोक्साइड ही कहेंगे, ठीक है। साथ में बनेगा क्या? कॉपर कार्बोनेट। ये आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चों, COOH ट्वाइस इसको कहेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CU कॉपर हो गया, कार्बोनेट को CO3 कहते हैं, कार्बोनेट को COT कहते हैं। तो जो ग्रीन सब्सटेंस है, सवाल आ सकता है, अलग अलग ऑप्शंस चार आपको मिल जाएंगे, तो इसको आपको याद रखना होगा कि इसको क्या कहते हैं। तो ग्रीन मटेरियल जो रहता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, COOH ट्वाइस, और कॉपर कार्बोनेट है। तो क्लियर हो गया ये चीज़, आप एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मुझे लगता है इस बार ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि जनरली हमने देखा है कि जो भी आपके ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, मेटल के ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड्स जो होते हैं, वो होते हैं बच्चों बेसिक नेचर या तो क्षारीय होते हैं, ठीक है, अम्लीय नहीं होते, बेसिक नेचर उनका होता है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, रेड को लाल लिथमस पेपर, लिथमस पेपर किससे बनता है आपको पता है, लाइकेन से बनता है बच्चों, ठीक है। लाल लिथमस पेपर को ये ब्लू में बदल देते हैं, और ठीक इसका उल्टा ये हो गया बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ हो गया, एसिड के साथ ठीक उल्टा होता है, ब्लू लिथमस मतलब कि नीले लिथमस पेपर कागज को ये किस में बदल देता है, रेड में।
मुझे अक्सर बच्चों इसमें कन्फ्यूज़न कभी कभी होता था कि ये बेस जो क्षार होता है वो लाल को नीले में बदलता है कि एसिड वाला कहीं ये तो नहीं करता है, तो मैंने बस एक बना लिया था, एसिड का डी आ रहा है, ठीक है, मतलब कि आपका अम्ल का हो गया, मतलब अंग्रेजी में मैंने किया है डी, आप वैसे हिंदी में कुछ कर लीजिएगा, और ये बदलता है रेड में, तो आखिरी में डी आ रहा है, तो बीच में भाई ब्लू आएगा ही आएगा, नीला आएगा ही आएगा, तो इस तरीके से मैंने याद किया था, तो तब से मुझे कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जो जो रिएक्शंस दिए हैं वो हमें ज़रूर देखने हैं, रिएक्शंस ही आएंगे, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये बच्चों देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ठीक है, और ये रिएक्ट करता है आपके साथ पानी के साथ, ठीक है, तब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। यही अगर H2SO4 बनता तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता, तो ये कौन सा अम्ल है, ये सल्फ्यूरस अम्ल है, तो इसका आप ध्यान देंगे, तो जो सल्फ्यूरस अम्ल है ये, क्योंकि ये क्या है, एक एसिड हो गया, ये क्या हो गया आपका, अम्ल हो गया, ठीक है, तो एसिड हो गया तो ये क्या करेगा, ब्लू लिथमस को, मैं एल कर देता हूँ, ब्लू लिथमस को रेड में बदल देगा, लाल में बदल देगा, जैसे मैंने बताया। तो इसमें हमने क्या जाना, जितने भी अधातु होते हैं, ये देखिए अधातु था सल्फर, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिड है, क्षार है भाई, तभी तो ये, सॉरी, अम्ल है, तभी तो ये इसमें ब्लू को रेड में बदल रहा है। तो जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो ऑक्साइड बनाते हैं वो क्या होते हैं, वो आपका अम्ल होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं। एक बच्चों, एक नॉन मेटल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है फॉस्फोरस, जो मैं बता रहा था, इस पे क्वेश्चंस आते भी हैं, इसको आप हिंदी में फॉस्फोरस ही लिखिएगा, अलग नाम नहीं है बच्चों इसका, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस को क्या किया जाता है, ये हवा में अगर रख दिया जाए, ऐसा नॉन मेटल है, जैसे अभी क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये आग पकड़ लेता है, ठीक है, इसीलिए ये ऐसा एक इकलौता नॉन मेटल है जिसको पानी में रखा जाता है, यानी कि पानी में डुबो कर रखा जाता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, माचिस के निर्माण में होता है। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये आ सकता है, पॉप, पॉप साउंड की बात होती है, पॉप पॉप या POP, पॉप पॉप आवाज की बात होती है। तो पॉप आवाज किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा कि पॉप आवाज आती कब है, जब भी देखिए, अगर कोई भी, अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस, अगर माचिस, कोई टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए कोई रिएक्शन इसमें चल रहा है, आप माचिस की तीली ले गए, तो अगर वहां पॉप करके आवाज आ रही है तो जान लीजिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सामान्यतः क्या होता है, नॉन मेटल्स हैं यानी कि अधातु हैं, वो एसिड्स के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी मेटल्स हैं, अल्मीनियम, अल्मीनियम को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, और साथ में थोड़ा सा पानी भी रहे, इसको मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये बनाता है बच्चों सोडियम अल्यूमिनेट, AnA सोडियम, ये अल्यूमिनेट हो गया, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन भी बनता है। तो अगर इसको हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस बच्चों अभी ज़रूरी नहीं है आपके लिए इसको समझना, ठीक है, बैलेंस करते हैं इसको, तब ये देखिए हाइड्रोजन गैस निकली। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, अगर माचिस की तीली ले जा रहे हैं उसके पास में, और उसको आवाज़ पॉप की आ रही है, इसका मतलब उस रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब एक मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इस कंडीशन में होगा। बच्चों कुछ ये लघु स्तरीय प्रश्न है, लेकिन विश्वास कीजिए इससे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, दो नरम धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो दो हैं आपके सोडियम और एक है पोटेशियम, तो दोनों को काटे जा सकते हैं। नेम टू सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड ऑल लिविंग बींग्स इनहेल इट ड्यूरिंग ब्रेथिंग, ठीक है। कौन सा अधातु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीव उसे श्वसन के समय ग्रहण करते हैं, तो है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, आपको पता है। दो प्रमुख अधातुओं के नाम लिखिए जो उर्वरकों में उपस्थित होते हैं और पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो नेम टू मेजर नॉन मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स एंड इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो ये है बच्चों नाइट्रोजन और दूसरा है हमारा फॉस्फोरस। फिर क्वेश्चन 16, कौन सी अधातु जल के दूषण को दूर करने का काम आती है। तो विच नॉन मेटल इज यूज एज अ डिसइन्फेक्टेंट, डिस इन
टेंट वाटर, तो ये आता है बच्चों क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन की टैबलेट्स भी आती हैं जो कि डाल दिया जाता है तो इस्तेमाल होता है इसमें। बैगनी रंग का एक धातु अल्कोहल में भूरे रंग का विलयन बनाती है जिसे घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। अधातु का नाम बताइए। तो बच्चों आपने कई बार आयोडीन टिंचर, आयोडीन का नाम सुना होगा, तो आयोडीन इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर है इसके बाद जिंक सल्फेट जल में रंगहीन विलयन बनाता है। इस विलयन में कॉपर की छिलना डालने पर उसके रंग में क्या परिवर्तन होगा? भाई जो जिंक है कॉपर के साथ ये जो है रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताई हुई है तो आपको उसको ध्यान होगा तो उससे आप समझ लीजिएगा कि क्यों नहीं होगा। बच्चों जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है केवल मैं उनको बता रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए मैच द फॉलोइंग है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल, ये देखिए ये यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ, इससे आप जान लीजिए ये ए ऑप्शन है, श्वसन में ग्रहण करने के लिए, क्लियर हो गया। कॉपर बी, कॉपर जो है विद्युत तार बनाने में। सल्फर सी ऑप्शन, सल्फर पटाखे बनाने में, ये याद रखें ये अलग था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आयरन लोहा, ये आप लोग जानते हैं लोहा रेल की पटरी बनाने के लिए। और क्लोरीन जल को दूषित रहित बनाने के लिए, तो ऑलरेडी मैंने बताया ये वाला, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग था। कुछ बच्चों एलाओस के जो एलाय होते हैं, मिश्रण होते हैं, उनके प्रश्न आते हैं तो इसको आप नोट डाउन अलग से कर लीजिएगा। ब्रास, ब्रास बच्चों बना होता है कॉपर से, कॉपर जिसमें 80% होता है और साथ में होता है आपका जिंक जो कि 20% होता है, ठीक है। तो इसमें बर्तन बनाने में, बंदूक की जो गोलियां होती हैं उसको बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आ गई बारी ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज में बच्चों जो होता है कॉपर 90% होता है, ठीक है, और टिन जो है आपका 10% होता है। तो इसका इस्तेमाल सिक्के बनाने में, मशीन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, मेडल जो आपको को दिया था उसमें बनाने में इस्तेमाल होता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बच्चों यहाँ बता रहा हूँ आपको। एक हो गया बेल मेटल, इसको बेल मेटल कहते हैं, इसको बच्चों गियर बॉक्स ये सब बनाने में, कार वगैरह में, मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होता है। कॉपर होता है इसमें बच्चों 90%, और फिर से इसमें जो टिन होता है इसमें 10% इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये आपका 22% सॉरी, बेल मेटल में 78% कॉपर है और आपका टिन जो है वो 22% है, ठीक है। तो ये अंतर था, तो इससे बेल मेटल हमारा बनता है। और आखिरी में जो एक इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा हो बता दूं मैं आपको, स्टेनलेस स्टील जो स्टील के बर्तन होते हैं उसमें आयरन होता है बच्चों 73%, क्रोमियम मेटल जो होता है 18%, निकल होता है आपका 8%। और इसको जितने स्टील को कड़ा बनाना है या कुछ करना है तो उसके लिए इसमें कार्बन मिला दिया जाता है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि इसमें और किस किस चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मेटल्स ये सब की बात की तो मुझे लगा कि थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आपको एक्सपोजर मैं दे दूं। तो इसमें बच्चों देखिए समझने वाली चीज़ें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है। जितने भी मेटल्स हैं आपके, मेटल्स जितने भी हैं वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक होते हैं, ठीक है। ये मेटोलाइट्स हैं बच्चों, ये जितना भी मैंने बताया, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये जितने भी हैं ये देखिए ये वाले, ठीक है। ये सब क्या हैं? ये सब हैं आपके मेटोलाइड। मेटोलाइड उनको कहते हैं कि जो कि दोनों ही तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल में। आपको सिलिकन और ये सब आपको पता होगा, ये सब सेमीकंडक्टर्स में, इसलिए जर्मेनियम ये सब यूज होते हैं, ठीक है। और ये जितने ग्रुप यहाँ से आप देख रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अभी हम लोगों ने नाम पढ़े, ये जितने हैं ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और ये आपका नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, ये वाले, ये बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं बच्चों। ये आखिरी देखिए ग्रुप, इसको कहते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक हम जाते हैं। तो 18th ग्रुप याद रखिएगा, इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। ये एकदम रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से भी, ठीक है। तो इसमें आर्गन का आप बार बार नाम सुनते होंगे, नियन का नाम सुनते होंगे, हीलियम हमारे सूरज में पाया जाता है इसका सुनते हैं, हीलियम के बैलून भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये हवा, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए ये आ गई आपका सोडियम, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या हैं? ये सब मेटल्स हैं। तो एक आपको आइडिया लग गया होगा कि पीरियोडिक टेबल क्यों बनती है और इसका इस्तेमाल क्या है। जब भी बच्चों देखिए मेटल्स होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेटल सोडियम है, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, आपने पढ़ा है कि आग पकड़ लेता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि एक बेस बनाता है, क्षार बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज
होता ही होता है। तो ये जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इसमें आपका यही काम कैल्शियम करेगा, यही काम आपका मैग्नीशियम करेगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे बस इसकी जगह। कैल्शियम की वैलेंसी दो होती है इसलिए यहाँ दो आ जाता है, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी दो होती है इसलिए ये यहाँ पर भी दो ये आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन करके बनाते रहते हैं, ठीक है। और बाकी जब आती है चीज़ें कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके इम्पॉर्टेंट है। कॉपर को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाएगा, मतलब कॉपर रिएक्टिव होता है ज़्यादा सिल्वर से, इसलिए इसको सिल्वर को रिप्लेस करके खुद नाइट्रेट बना देगा, तो कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर आपका बन जाता है, ठीक है। वैसे ही देखिए मैग्नीशियम को अगर हम कॉपर सल्फेट विलयन में अगर हम रिएक्ट कराते हैं, उसके टुकड़े को डालते हैं, तो मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्यों, कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर है, मैंने बताया हुआ है। तो ये रिएक्शन इस तरह से बनेगा। एक जिंक का ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, जिंक ये रंग ही यहाँ चेंज हो जाता है कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करेगा, तो जिंक सल्फेट, ठीक है, और साथ में कॉपर यहाँ पर अलग हो जाएगा, नीचे पेंद में जो रिएक्शन होता है भूरे भूरे पदार्थ आपको दिखने लगेंगे। तो इस तरह से आप इन सवालों को समझ के चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, एक और एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की छिली, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े कॉपर सल्फेट में डाल दिए हमने, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है बच्चों वो ब्लू होता है, क्या होता है, नीला होता है, ठीक है। तो ये क्या इसको आयरन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ में, तो ये बनाता है फेरस सल्फेट, तो आप लिख लीजिएगा। और ये जो नीला रंग होता है बदल जाता है ग्रीन में, हल्का ग्रीन में, लाइट कलर में, और कॉपर जो है कॉपर की परत जो आयरन रहता है उस पर जाकर चढ़ जाती है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी रिएक्शन कर लीजिए बच्चों, जिंक है जब ये फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ देखिएगा खुद अब जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव हो गया लोहे से, आयरन से, तो ये रिप्लेस कर देगा, ये बना दे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहते हैं बच्चों, जिंक सल्फेट और साथ में आयरन, ठीक है। तो ये ऐसे फेरस सल्फेट अभी देखिए ग्रीन कलर का होता है जहाँ जैसा यहाँ मैंने बताया, और ये रंगहीन हो जाते हैं यानी कि कलरलेस हो जाता है, कोई भी रंग फिर रहता नहीं। तो जान लीजिए ये रिएक्शन अगर हुआ इस तरह का आ गया कि एक धातु था जो उसमें मिला दिया गया, फिर उसने रंगहीन सब्सटेंस बना, तो क्या बना, तो जिंक सल्फेट बना। तो इस तरह के प्रश्न आपको बदल के आ सकते हैं। कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट ओर हैं, ओर क्या होता है, जिससे कि धातु को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, तो कुछ है तो उनको मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। बॉक्साइट सभी लोग जानते होंगे, बॉक्साइट जो है ओर है किसका, कई बार आया हुआ है अल्मोनियम, इससे निकाला जाता है। तो इसका फॉर्मूला है आपको Al2O3 × 2H2O। तो कुछ आपको अलग से ये अलग जानकारी है, तो बस मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। मार्बल जो होता है, मार्बल बोलते हैं भाई, मार्बल घर में लगा है हमारे, ठीक है, ये उसको कहते हैं लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन से ही तो पूरा ये ताजमहल भी बना हुआ है आपका। वो फॉर्मूला होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। और मरकरी का जो होता है, मरकरी का जो ओर होता है वो होता है सिनेबार, HgS, सिनेबार इसको कहते हैं। और जो लेड निकाला जाता है वो गैलेना से निकाला जाता है, गैलेना, गैलेना, ठीक है। तो इसकी जो सिंबल होती है PbS होता है, लेड सल्फाइड, ठीक है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ बच्चों एसर्शन रीजन के प्रश्न है, मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये एसर्शन कह रहा है उसका कारण मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। आयरन इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, तो आयरन जो है फ्री स्टेट में, मतलब बिना किसी कॉम्बिनेशन के आयरन पाया जाता है। फिर कारण दिया है, आयरन इज नॉट हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो होगा कि दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि जो आयरन है फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, हमेशा किसके Fe2O3 कॉम्बिनेशन में ऑक्सीजन के साथ पाया जाता है, और आयरन जो है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल भी है। तो दोनों के दोनों कथन और कारण ये होने चाहिए थे, कुछ प्रश्न के हिसाब से दोनों गलत हैं। दूसरा है जिंक इज यूज्ड इन गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन, तो जिंक का इस्तेमाल उस पर एक आयरन पे एक परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हाँ भाई सही बात है, किया जाता है, तो एसर्शन तो सही है। रीजन इसमें क्या है, इफ कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स इंक्रीजेस देयर लाइफ बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम रस्टिंग, तो इस पे जो है जिंदगी जो है आयरन की धातु की परत चढ़ाने से बढ़ जाती है, उस पे जंग नहीं लगता है। तो दोनों के दोनों सही हैं। तो ये दो कुछ एसर्शन रीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपको सोच रहा था बताने के लिए।
और कुछ प्रश्न बच्चों बहुत हैं जो कि मैं अगर बोल दूं, अगर आप उसको सुन लें और उसका आंसर कर लें, उसको नोट डाउन मत कीजिएगा, यह मैं आपके प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। थोड़ा मैं स्पीड चलूँगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा स्पीड चलूँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा रखा है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें एलिमेंट्स बताना है विच इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक इन मेडिसिन, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो आयोडीन। बस आप आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ मेटेलिक एलिमेंट, किसमें मेटेलिक एलिमेंट नहीं है, तो पहला है सोडियम क्लोराइड, तो उसमें भाई सोडियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम। अभी मैंने जस्ट पीरियोडिक टेबल में आपको बताया ना कि सोडियम देखिए मेटल आ रहा है, उसमें मैग्नीशियम आ रहा है, इसका बस कॉम्बिनेशन दे दिया है, और कैल्शियम भी आ रहा है, सभी मेटल हैं। तो एक अलग दिया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अभी बस मैंने बताया था ना कि मेटलॉइड है सिलिकॉन, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स वगैरह में होता है, तो ये बच्चों इसका उत्तर होगा। तो प्रश्न कैसे भी बदल के आ सकते हैं। ब्रॉन्ज इज एन एग्जाम्पल, अभी जस्ट मैंने बताया, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है, ठीक है। इसके बाद है ये आ भी चुका है, ए मेटल डिजॉल्व इन मरकरी, किसी भी धातु को अगर मरकरी में पारद में मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, तो एमालगम बनता है, तो हिंदी में भी एमालगम ही नाम है उसका, तो एमालगम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 5 मैं बता दे रहा हूँ, पूछा है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आयरन दिया है, गोल्ड दिया है, AU, जिंक दिया है और पोटेशियम दिया है, ठीक है, जिंक दिया है और पोटेशियम दिया है। इसमें पूछा है कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बच्चों पोटेशियम है, रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैंने जस्ट दिखाई थी, ठीक है। अब फिर ये पूछा है कि एयरक्राफ्ट को बनाने में कौन सा आपका एलॉय जो मिश्रण होता है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो ड्यूरालुमीन स्टील एमालगम की सोल्डर, तो आपको पता है बच्चों कि एरोप्लेन में जो बनाए जाते हैं डैने वगैरह उसके, वो ड्यूरालुमीन से बनाए जाते हैं, इस एलॉय से बनाए जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 7 है, एन एलॉय ये नॉन मेटल यूज्ड इन वल्कनाइजेशन और रबड़, जो रबड़ मिटाने वाली होती है बच्चों, ये रबड़ जो टायर्स में इस्तेमाल होती है उसको शुद्ध करने का एक तरीका है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें बच्चों जो धातु जो मिलाई जाती है वो मिलाई जाती है सल्फर, तो आपने इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा। तो काफ़ी अलग प्रश्न थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। फिर कई हैं, देखिए पूछ लिया कि इसमें नॉन मेटल कौन है, मेटल कौन है, तो ये उसी तरह के प्रश्न हैं, ठीक है। अब एक रिएक्टिविटी सीरीज भी पूछ लिया, तो रिएक्टिविटी सीरीज में वाली आपको लिखा देता हूँ जो यहाँ पर आंसर में है, आयरन है सबसे ज़्यादा, उसके बाद जिंक है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर पोटेशियम है, तो कोई भी सीरीज बीच से दे देगा, फिर आपको उससे पूछ सकता है, ठीक है। तो और कई सवाल ऐसे हैं जो कि मैच द फॉलोइंग के भी हैं, तो यहाँ देखिए इस पर पूछ रहा है, ओर का पूछ रहा है, तो मैं बता देता हूँ, हेमेटाइट, हेमेटाइट ये पूछ रहा है किसका ओर है, तो ये है आयरन का, बॉक्साइट का मैंने बता दिया ऑलरेडी, आपका अल्मोनियम है, जिप्सम GYPSUM जिप्सम किसका है, जिप्सम आपका बच्चों कैल्शियम का है, कैल्शियम उससे निकाला जाता है, और सिनाबार अभी जस्ट मैंने बताया उससे मरकरी से है, ठीक है। तो इसी तरह के बच्चों प्रश्न हैं, अगर आज का बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा कि इससे आप, मुझे लगता है कि आज पूरा चैप्टर आपका तैयार हो गया होगा, काफ़ी प्रश्न अभी भी ऐसे बचे हुए हैं बहुत ढेर सारे, लेकिन समय